हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियोस में बात की थी एपिलेप्सी से रिलेटेड मिथ्स के बारे में, फर्स्ट कि जब भी किसी को दौरा आए तो उसको रिस्ट्रेन नहीं करना ताकि उसे मसल इंजरी ना हो, सेकेंडली उसको करवट दिलवा देनी है ताकि उसका एयरवे पेटेंट रहे। तो आज हम एक और मिथ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी से रिलेटेड। लोग समझते हैं कि एपिलेप्सी कंटेजियस है, कि अगर उनके बच्चों को किसी और बच्चों के साथ खेलेंगे जिनको एपिलेप्सी है तो उनको भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एपिलेप्सी बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है। ये छूने से या किसी से बात करने से फैलती नहीं है, ये ब्रेन में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने की वजह से होती है। तो ये तो बात हुई एपिलेप्सी से रिलेटेड एक और मिथ के बारे में। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मिथ के साथ। तब तक के लिए तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। थैंक यू वेरी मच।